अस्सलाम वो आ गया मेरा चीता दोस्त। क्या हाल है? सॉरी सॉरी, रेमा बेबी भी आई है। मैं बेबी नहीं हूँ। बस अब जल्दी से ठीक हो जाओ और अपनी जॉब दोबारा ज्वाइन करो। हाँ बस एक दो दिनों में ज्वाइन कर रहा हूँ। ठीक कह रहा है, बहुत हो गया घर पे बैठना। अस्सलाम वालेकुम माँ। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो। अरे मेरा बच्चा भी आया, आ जाओ इधर, आ जाओ। कैसे हो आप? अरे वाह, इतना हैंडसम पुलिस ऑफिसर मैंने तो पहली बार देखा है। थैंक यू माँ। अच्छा माँ, बहुत भूख लग रही है, एक आलू का पराठा तो बना के लाते हैं। अच्छा। वर्दी तो पहन ली लेकिन रहेगा वही भूखे का भूखा। तो क्या करें भाई, अब ईमानदार पुलिस वाले हैं, भूखे तो रहेंगे। चले हम पराठा बनाते, आ जाओ शानदार। कैसा लग रहा है वाली वर्दी पहन के? यार अगर सच बताओ ना तो थोड़ा सा डर लग रहा है। डर? पुलिस वाला और उसे डर? डर मुझे इस वर्दी का नहीं है फरहान, डर मुझे इस बात का है कि कहीं इस वर्दी का मान ना टूटे। एक बात कहूं दोस्त, जो तुम्हारे घर के हालात हैं उनके अंदर ये मान वाला चक्कर मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है। माइंड ना करना, लेकिन तुम्हें पता है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। जानता हूं, ऑनेस्टली स्पीकिंग फरहान, आज जब मैंने ये वर्दी पहनी तो कुछ अलग सा महसूस हुआ। मुझे ऐसा लगा कि अब घुटन नहीं है। हाँ, अब अपने डिसीजंस में मैं खुद मुख्तार हूं, आजाद हूं। मे बी। चल छोड़िए बातें। अरे किसकी शादी हो रही है भाई? किसकी शादी का कार्ड आया है? पूछ अपने ब्रदर इन लॉ से। आतिल फेड्स, ये कार्ड तुम्हें किसने दिया? मतलब तुझे नहीं पता, रामीन आई थी यहां। व्हाट? रामीन यहां आई थी? हाँ, यहां पर रामीन आई थी। मैंने उसे सब बता दिया, उसको ये भी पता है कि मैं उसे। क्या कह रहे हो यार, व्हाट्स गोइंग ऑन? मुझे नहीं पता यार, मुझे बस ये पता है कि आदिल अपनी कमीनगी की हद तक पहुंच चुका है। उसने रामीन को यह कहा है कि वो दूसरी शादी इसीलिए कर रहा है क्योंकि उसको लगता है मेरा और रामीन का कोई चक्कर था, और रामीन बेचारी इतनी इनोसेंट है, वो अपने आप को ब्लेम कर रही है। तो मैं क्या करता, बता दिया मैंने उसे सब कि आदिल कितना बड़ा कमीना है और रामीन के लिए मेरे दिल के दरवाजे हमेशा खुले हैं, और मैंने उसे यह भी कह दिया कि मैं उसे हर हाल में अपनाने को तैयार हूं। सब कह दिया मैंने उसे।